Assalamualaikum to my all viewers. Welcome back to my channel Kitchen with Shamma Abdul Rahman. आज मैं आप सबके साथ ऑल इन वन पकौड़ा प्लेटर की रेसिपी शेयर करूँगी. तो सबसे पहले आप उसके अज्जा नोट कर लें. 3 कप मेरे पास बेसन है, आधी चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक हसबे जायका, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चुटकी जर्दे का कलर. इसके अलावा जो पकौड़ों के लिए मैंने चीज़ें ली हैं, उबले हुए अंडे, बैंगन, आलू, पालक, मोटी हरी मिर्चें, भिंडी, प्याज के रिंग्स. भिंडी और मोटी हरी मिर्चों में हम फिलिंग करेंगे. तो भिंडी की फिलिंग के लिए मैंने सिंपली लीमू में चाट मसाला मिक्स किया है और हरी मिर्चों की फिलिंग के लिए मैंने इमली, अजवाइन, नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं. तो चलें अब इसका बैटर रेडी करते हैं. सबसे पहले अगेन इस बैटर में ना तो मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी और ना ही बेकिंग सोडा, सिर्फ ये तमाम अज़ा डालूंगी और इसका बैटर रेडी कर लूंगी. बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने से पकोड़े सोगी हो जाते हैं. और आप लोग एक और काम करते हैं कि बैटर रेडी करके इसे घंटे या आधे घंटे के लिए पहले रख देते हैं, उससे भी पकोड़े जो है वो क्रिस्पी नहीं बनते. थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएं, ना बैटर हमारा बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला. ये देखें इतना गाढ़ा बैटर होना चाहिए. इनको ऑल इन वन पकौड़ा प्लेटर इसलिए कहते हैं कि बैटर एक बना है लेकिन पकौड़े डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे. ऑयल मैंने पहले से गरम किया हुआ है, तो चलें इनको अब फ्राई कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आलू के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ क्योंकि आलू मैंने पहले से काट कर रखे हुए थे, पानी में रखे थे, लेकिन फिर भी एक टाइम आता है कि ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं. अब बैंगन को काट लेते हैं. इसको भी मैं आलू की तरह गोल गोल स्लाइस काटूंगी. इन तमाम सब्जियों की कोई भी क्वांटिटी मैंने इसलिए नहीं बताई कि बैटर पर है कि आपका बैटर कितना बना है. सब्जियां आप जितनी मर्जी आप फ्राई कर लें. प्याज को मैंने मोटा मोटा स्लाइस किया था और उसके रिंग्स अलहदा अलहदा कर लिए थे. कितने खूबसूरत लग रहे हैं. अंडे मैंने फुल बॉईल किए थे और इनको हाफ करके इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं. मोटी मिर्च जो मैंने ली है इसे मैं कट लगाकर इसके सीड्स रिमूव कर दूंगी. और जो हमने इसकी इमली वाली फिलिंग रेडी की है उसे फिल करूंगी. इस तरह से मैंने ये सारी रेडी कर ली हैं, तो इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं. भिंडी को भी हम कट लगाएंगे लेकिन इसके सीड्स रिमूव नहीं करेंगे और सिंपली इसकी फिलिंग डालेंगे. इस तरह से रेडी कर लिए, तो इन्हें भी हम फ्राई कर रहे हैं. साथ में पालक के पत्तों को बस डिप करके हम फ्राई कर लेंगे. ये फ्राई हो जाने के बाद बहुत क्रिस्पी हो गए थे, जैसे पापड़ होते हैं. अब मैं वन बाय वन आपको इन्हें कट करके दिखाती हूँ. अंडे, बैंगन, पालक, आलू, मोटी मिर्च, प्याज और भिंडी. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इन वन पकौड़ा प्लेटर हमारा रेडी है.
बहुत ही झटपट और क्विक रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू गाइज़ लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।